हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा एंड वेलकम बैक टू माय सुपरवेज चैनल। तो आज की वीडियो में मैं मेरा सिंपल इजी एवरीडे लुक दिखाऊंगी। तो शुरू करते इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं अपने चेहरे पे लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे निविया लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं लगा रही हूँ कंसीलर, विच इज़ कलर इसेंस पैनस्टिक कंसीलर, और ये मैं फिंगर से ही अपने आँखों के ऊपर अंडर आइज पे लगा रही हूँ। इस वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो अफोर्डेबल है। ये सब प्रोडक्ट्स आपको इजीली ऑनलाइन या फिर ड्रग स्टोर में मिल जाएंगे, और इन प्रोडक्ट की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। और ये मेकअप लुक बिगिनर फ्रेंडली है। यहाँ पे मैं कंसीलर फिंगर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब ये कंसीलर ब्लेंड हो गया है। अब मैं लगाऊंगी पॉन्ड्स बीबी क्रीम, विच इज़ बेस्ट एंड विच इज़ माय फेवरेट। तो हाथों पे थोड़ी सी ले लीजिए, और आपके पास अगर ब्यूटी ब्लेंडर है तो उसकी मदद से आप पूरे चेहरे पे अप्लाई कीजिए। पॉन्ड्स बीबी क्रीम एवरीडे मेकअप के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पैक ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने चेहरे पे पहले बीबी क्रीम लगा ली है, अब इसको डैबिंग मोशन में लगा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा टाइम ले लीजिए, क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा हो गया तो आपका पूरा मेकअप लुक अच्छा हो जाता है। आप हाथों से भी ये क्रीम लगा सकते हो या फिर ब्रश से भी लगा सकते हो। And don't forget your neck. Apply this cream on your neck also. मैं लगा रही हूँ मेबिलिन कॉम्पैक्ट पाउडर। सबसे पहले तो मैं ये फाउंडेशन ब्रश लेके मेरे आँखों के नीचे अंडर आइज पे ये पाउडर लगाऊंगी। इसके बाद पाउडर ब्रश से मैंने पूरे अपने चेहरे पे ये कॉम्पैक्ट अप्लाई की है। अब हमें फिल करने हैं आईब्रोज। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मी नाउ की आईब्रो पेंसिल। और याद रखें, अगर आपकी आईब्रोज बहुत ही थिन है तो वो फिल ज़रूर करना। और मैंने हल्के हाथों से फिल किया है, और उसी में जो ब्रश आता है उससे मैं ब्रश कर रही हूँ आईब्रोज को। आप देख सकते हो डिफरेंस दोनों आईब्रोज में। अब मैं लगाऊंगी लैक्मे आइकॉनिक काजल। आईज़ के कॉर्नर्स पे अच्छे से काजल लगाएं, क्योंकि अगर आप आईलाइनर नहीं लगा रहे हो तो इस तरह काजल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और लोअर वाटरलाइन, अपर वाटरलाइन को भी काजल लगाएं। फिर उसके बाद आईलैश कर्लर से मैं अपनी आईलैशेस कर्ल कर रही हूँ। दिस इज़ ऑप्शनल स्टेप। अब इसके बाद मस्कारा, मैंने यहाँ पे मेबिलिन का हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा यूज़ किया है। इसके 3 से 4 कोट लगाना है, अपर लैशेस और लोअर लैशेस को भी। सो इस आई मेकअप से आपकी आँखें बहुत डिफाइन लगेगी। अब बारी है लिप्स की। सो जिनके लिप्स मेरे जैसे थिन हैं वो ज़रूर लिप पेंसिल यूज़ करें, और अपने लिप्स को पहले अच्छे से डिफाइन करें। अब इसी लिप पेंसिल से लिप्स को फील करें। उसके बाद मैं लगाऊंगी ये मेबिलिन की लिपस्टिक। इसका शेड बहुत ही सुंदर है। अच्छे से लिपस्टिक लिप्स पे अप्लाई करें, और माउथ के दोनों कॉर्नर्स बिल्कुल ना भूले, वहाँ पे अच्छे से लिपस्टिक लगाए, वरना वो बहुत ही ख़राब दिखता है। अगर आप अच्छे से लिपस्टिक लगाओगे तो बहुत ही सुंदर दिखती है लिपस्टिक।
अब आपको अगर लिपस्टिक मैट लुक में चाहिए तो आप थोड़ी सी कॉम्पैक्ट ब्रश पे ले लें और वो लिप्स पे अप्लाई करें। इससे आपकी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं दिखेगी, और अगर आपको मैट लुक पसंद है एवरी डे के लिए तो आप वो मैट लुक भी अपने लिप्स को दे सकते हैं। सो मुझे ये लुक पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी सी कॉम्पैक्ट मेरे लिप्स पे लगा ली है। हाथों से भी ऐसे डैप कर सकते हो आप। वो बस हो गया ये मेरा सिंपल इजी एवरीडे मेकअप लुक। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।